विश्वभर में ग्रेट इंडियन बर्स्टर्स के नाम से विख्यात गोंडवाड़ के घर अब नन्हे मेहमान आए हैं। जी हाँ, गोंडवाड़ संरक्षित करने के लिए 2 साल पहले शुरू किया गया प्रोजेक्ट का असर अब दिखने लगा है। इस बार खुशखबरी जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदास्त्री क्षेत्र से आई है। यहाँ पर सम्य स्थापित हैचरी में सहेज कर रखे गए 8 अंडों में चूजे बाहर निकल आए हैं। गोंडवाड़ के ये सभी 8 चूजे एकदम स्वस्थ हैं। सोन चुरैया के नाम से भी प्रसिद्ध गोंडवाड़ अब देश में महज 100 ही बचे हैं। ऐसे में सम में नए जन्मे चूजों से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी अब लुप्त नहीं होगा, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के वन विभाग ने कुछ महीने पहले गोंडवाड़ को बचाने के लिए एक योजना तैयार की थी और इसके तहत डेजर्ट नेशनल पार्क से सटे जैसलमेर के सम में एक सेंटर स्थापित किया गया। डेजर्ट नेशनल पार्क में स्थापित विश्व के पहले गोंडवाड़ हेचरी सेंटर में सभी 8 गोंडवाड़ के चिक निकल आए हैं, जो गोंडवाड़ को बचाने के प्रयास में एक बहुत बड़ी सफलता समझी जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि गोंडवाड़ संरक्षण प्रजनन एवं अनुसंधान कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और राजस्थान सरकार के बीच साल 2018 में त्रिपक्षीय संयुक्त समझौता किया गया और इस परियोजना के लिए विशेषज्ञता रखने वाले अबूधाबी के एक संस्थान का सहयोग लिया जा रहा है। इस हैचिंग सेंटर में अभी क्योंकि भारत सरकार द्वारा जब ये प्रोजेक्ट साइन किया गया तो इस जो गोंडवाड़ का प्रजनन काल होता है वो जून से सितंबर माह के बीच में होता है, उसी बीच में अंडे देता है। तो अगर ये वर्ष हम मिस कर देते जिसमें अंडे और कलेक्ट करने का, तो हो सकता है कि अगले साल तक हमारे पास को बचाने के लिए और भी कम पक्षी बचते। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि अभी तत्काल एक टेम्प्रेरी सेंटर स्थापित किया जाए जहाँ की हम ये हैचिंग वाला कार्य कर सकें। कोशिश करते हैं कि 4 दिन से पहले का अंडा तो लेते हैं, नहीं तो फिर 7 दिन के बाद में हम कोशिश करते हैं और लेने लाते हैं और बड़ी धीरे धीरे आराम से लाते हैं और एक पर्टिकुलर कंटेनर उसके अंदर लाते हैं। लाने के बाद हम इनक्यूबेट करते हैं जैसा कि डीएफ साहब ने बताया आपको, और फिक्स टेम्परेचर पे रखते हैं अंडे को, फिक्स ह्यूमिडिटी पे रखते हैं और बाहर से अबूधाबी से हमने इनक्यूबेटर लेके आए हैं, उसी इनक्यूबेटर में उसको इनक्यूबेट करते हैं। फिर जब इसका एग को हम दिन में एक बार देखते हैं, उसका टेम्परेचर लेते हैं, उसकी मूवमेंट देखते हैं, उसके सारे ऑर्गन्स किस रूप में बन रहे हैं, उसका वेसल्स, ब्लड वेसल्स वगैरह, उसको भी मॉनिटर करते हैं पर डे। तो 8 नन्हे नए मेहमान आ चुके हैं तो बहुत ज्यादा खुशी भी है। इस पर अपने सहयोगी सूर्यवीर से हम बात करेंगे। सूर्यवीर, जैसलमेर में तो बहुत खुशी होगी, अब उनके संरक्षण के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए क्या कुछ? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसी राज्य की स्थान माने जाते हैं और राज्य के अपने राजस्थान का प्रतीक भी है गोंडवाड़, और इसे छेड़छाड़ करने या नुकसान पहुंचाने वाले कड़े जिस तरीके से कड़े दंड का प्रावधान रखे और सरकार समय समय पर गोंडवाड़ के संरक्षण के लेकर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गोंडवाड़ है वो विलुप्ति के कगार पर है, वो जा पहुंचा है, क्योंकि पूरे देश में गोंडवाड़ की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो सिर्फ जैसलमेर में है। ऐसे में यहाँ पर अभी इस बार तो एक एजेंडा बनाया गया है जहाँ पर प्रजनन होकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और प्रोजेक्ट के 2 साल पूरे होने को है। अब प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी खबर ये भी आई है कि जो 8 चूजे हैं वो यहाँ इसका संरक्षण को लेकर यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर पूरे घूम फिर रहे हैं, क्योंकि राज्य पक्षी गोडाउन के संरक्षण और संरक्षण के लिए समय समय पर जो सरकार है तथा जो मंत्रालय है वो गंभीर दिखाई देता है, क्योंकि गोडाउन एक सोन चुरैया के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही कम मात्रा में लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये 8 गोडाउन चूजे हैं जो अंडों से बाहर निकल कर यहाँ पर इसका संरक्षण किया जा रहा है, बंद जो उसके कमरे हैं वो बनाया गया है और इससे वाइल्ड लाइफ स्टूडियो ऑफ राजस्थान के जो मिलकर गोडाउन के लिए एक योजना जो तैयार की थी, तो डीएचपी नेशनल में टेम्परी हैचरी सेंटर स्थापित किया गया है और इस हैचरी सिस्टम में जिस तरीके से गोडाउन को किस तरीके का खाना खिलाना है, किस तरीके के हरियाली खिलानी है, किस तरीके से गोडाउन को घूमने के लिए बाहर छोड़ा जाना है और तमाम जगहों को जो एक बंद रूम बनाया गया है जहां उसको इंफेक्शन ना हो, क्योंकि इस हैचरी के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को या किसी भी यहाँ के कर्मचारी तक आतंक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कोई भी हैचरी के अंदर जाने के लिए तमाम तरीके से कपड़े हैं और वो पहने जाते हैं, हाथ सब साफ करके उन अंडों उनको गोडाउन की तरफ जाया देना जाता है और उनको समय समय पर इस चूजों की है वो देखभाल की जाती है, क्योंकि इन सभी चूजों की जो विदेश से मंगाया गया एक विशेष आहार है वो दिया जा रहा है और उसके अलावा क्षेत्र में जिस तरीके से इनका प्रतीक आहार है वो भी इनको दिया जा रहा है और जिस तरीके से ये जो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब इन गोडावनों को इनके संरक्षण के लिए इस जैसलमेर के वातावरण में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि गोडावन की जो संख्या है वो कम से कम 150 या 100 के अंदर ही रह गई है और उसको लेकर हर कोई गंभीर है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि स्थायी हैचरी सेंटर निर्माण के लिए राम
रामदेवरा में भी एक सबसे बड़ा हैचरी सिस्टम बनाया जा रहा है, जहां भी अड्डों का एक संरक्षण किया जाएगा तथा गोडावन की जो गिनती है उसको बढ़ावा देने लगा है। और कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है क्योंकि जिस तरीके से जो गोडावन है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बढ़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यवीर तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नए मेहमानों के खान पान से लेकर उनके रहन सहन यानी हैबिटेट को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और जो मिशन लेकर चल रहे हैं, जो एक पूरी एक ब्रांच बना दी गई है गुंडावड़ के संरक्षण के लिए, उसको और मजबूती देने की कोशिश की जा रही है।